सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे बाइक में कुछ वायरिंग लेके कुछ प्रॉब्लम हो गया था, दो दिन हो गया था और रिपेयरिंग किया गया। अभी किस तरह से प्रॉब्लम क्या हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। सो बने रहिए वीडियो के साथ। सो देख सकते मेरे बाइक का जो फ्रंट का लाइट में यहाँ पे हेडलाइट नहीं है दोस्तों, वायरिंग बिल्कुल सामने आ जाते हैं, बारिश गिर जाता है दोस्तों। सो जिसके कारण यहाँ पे एक शॉर्ट हुआ वायरिंग के अंदर। तो उस वायरिंग शॉर्ट की वजह से उसका फ्यूज़ टूट गया जो बैटरी के सामने लगा हुआ होता है, और जो ओरिजिनल फ्यूज़ है जो सारे लाइटिंग को वायरिंग को कंट्रोल करता है, उसका फ्यूज़ टूट गया। यहाँ पे एक पैनल में, यहाँ पे पैनल के अंदर यहाँ पे फ्यूज़ लगा होता है दोस्तों। ये फ्यूज़ को अभी खोल के मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते वो फ्यूज़ यही है। तो किस तरह से कनेक्शन टूट गया था, किस तरह से फ्यूज टूट गया था, ख़राब हो गया था। आप भी अगर अपनी बाइक अगर कभी अचानक से बंद हो जाते तो आप बिल्कुल ये चीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फ्यूज़ को कनेक्शन को किस तरह से ख़राब होने से रिपेयर कर सकते हैं, यानी इसको चेंज कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं अभी दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पल्सर बाइक है मेरे पास, और यहाँ इधर देख सकते हैं आप, यहाँ से सामने बैटरी है और अंदर का पैनल को बिल्कुल खोलने का कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारा इंजन अगर ऑफ हो गया तो बाकी सब फंक्शन ऑफ हो गया, तो सिर्फ एक ही सिस्टम है यहाँ पे दोस्तों। आप बैटरी के साथ सामने आप देख सकते हैं कनेक्शन है, जो फ्यूज़ का कनेक्शन है दोस्तों। सो अब मेरा तो पहले ही ख़राब हो चुका था, तो फिर चेंज किया। यहाँ पे दो फ्यूज़ लगा हुआ है, सभी बाइक में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फ्यूज़ रखा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक ही फ्यूज़ है इधर और एक फ्यूज़ यहाँ पे दोस्तों। अभी देख सकते हैं, अभी ये फ्यूज़ इसको अंदर में देखना है। इसको जब अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल एक लाइन दिखेगा फ्यूज़ के अंदर, यानी यहाँ पे कनेक्शन और इसके अंदर लाइन दिखेगा, जहाँ यानी उसमें करंट फ्लो करता है यानी। तो दोस्तों, अभी ये काम कर रहा है बिल्कुल दोस्तों। अभी देख सकते हैं ये था पुराना फ्यूज़ जो उड़ गया है, अभी ख़राब हो गया है दोस्तों। यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक हो चुका है दोस्तों, फ्यूज़ यहाँ पे शॉर्ट होने की वजह से इसके अंदर ब्रेक हो चुका है, यानी पानी के अंदर, वायर के अंदर पानी घुस के यहाँ पे शॉर्ट हुआ था, और उसके बाद इधर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ ख़राब हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो फ्यूज़ ख़राब हो चुका है अभी। तो ये फ्यूज़ मैंने चेंज करवाया, लेकिन ये फ्यूज़ अभी काम कर रहा है। फिर भी दो फ्यूज़ से अभी टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊँगा किस तरह से मेरा फ्यूज़ ख़राब हुआ है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं आपको किस तरह से पहचानना है दोस्तों, अगर फ्यूज़ ख़राब होने से वो ऑटोमेटिकली बाइक ऑफ हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लाइट जल रहा है बिल्कुल, यानी अंदर वायरिंग का कनेक्शन कर रहा है। फ्यूज़ ही एक सिस्टम है, यानी सबको कंट्रोल करके रखता है और सेफ्टी भी मेजर करके रखता है, यानी अगर फ्यूज़ नहीं होता तो सारे बाइक का वायरिंग ख़राब हो जाता दोस्तों। तो फ्यूज़ ही एक सिस्टम है जो सारी सिस्टम को एक बैलेंस करके रखता है और सही करके रखता है दोस्तों, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो कुछ दिक्कतें हो। सो दोस्तों, अभी इस फ्यूज़ को देखेंगे हम चेंज करके। एक फ्यूज़ तो है जो ये अच्छा फ्यूज़ है और ये बुरा फ्यूज़ है, यानी ख़राब हो चुका है। सो दोस्तों, इसको भी टेस्ट करके देखेंगे कि अभी तो वहाँ पे लाइट जल रहा था आप देख सकते हैं, तो अभी देखेंगे। तो अभी अभी आप देख सकते हैं, फोकस करके आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूज़ ख़राब हो चुका है, यानी फ्यूज़ टूट चुका है दोस्तों। यहाँ पे डायनोमो दो कनेक्शन जाता है इधर, और यहाँ पे फ्यूज़ टूट चुका है दोस्तों। सो अभी कोशिश करेंगे, जो कि बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा दोस्तों। अभी हम चाबी मारेंगे दोस्तों, अभी ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुका है, क्योंकि चाबी मार के भी काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं चाबी ऑटोमेटिकली ऑन है, इग्निशन भी ऑन है, अभी तक काम नहीं कर रहा, यानी ये फ्यूज़ ख़राब हो चुका है दोस्तों इसकी वजह से। तो अभी यहाँ चाबी को यहाँ पे रहने देते हैं, और अभी हम देखेंगे अच्छा फ्यूज़ लगा के। तो दोस्तों, अभी एक्सचेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटा हुआ है बिल्कुल, ये जो पोर्शन है अब टूटा हुआ है, तो अभी नया एक लगा के देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है नया वाला, जो अच्छा वाला अच्छा फ्यूज़ लगा चुका है मैंने। और दोस्तों, जो कनेक्शन बिल्कुल सही था, अच्छा फ्यूज़ लगाने के साथ साथ ये अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी देख सकते हैं दोस्तों। अभी ये बैल भी बज रहा है, अभी ये बैल भी बज रहा है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं इधर है रास्ता, जगह इधर, और यहाँ पे सभी अपने पीछे बैक लाइट,
जो पीछे का लाइट है ये भी जलना स्टार्ट हो चुका है। इस तरह से फ्यूज़ को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। अभी काफ़ी फ्यूज मैंने खरीद लिया है और एक्स्ट्रा फ्यूज भी रखा है हमने। तो गाइस बता देना कमेंट करके, कुछ छोटा मोटा रिपेयरिंग तो हमें भी करना चाहिए। बाइक को एम्प्टी कंडीशन में देखिए तो कुछ इस तरह से लग रहा है। तो गाइस अभी ये रहा उसका बॉक्स, यानी इसमें एक अच्छा फ्यूज़ लगा हुआ है, एक्स्ट्रा एक फ्यूज़। तो अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, कोई शॉर्ट आ जाता है वायरिंग में, तो इस फ्यूज़ को हमें चेंज करके लगाना है, तो इसलिए रखा हुआ है यहाँ में। तो इसको अंदर से हम पैकिंग करके इसके अंदर घुसा देंगे। तो मैं चलते इसको मैं पैकिंग पैक कर लेता हूँ अभी। तो दोस्तों अभी मैंने फिटिंग कर चुका है इसको, अपनी पोजिशन में लगा दिया है इसको। दोस्तों अभी हम देखने वाले इसको स्टार्ट करके, बाइक स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। और ये रहा उसका पुराना फ्यूज़, ख़राब हो चुका है, जो ख़राब कंडीशन, इसको भी फेंक देंगे हम लोग यहाँ में ही। और ये रहा, तो फाइनली गाइस बाइक स्टार्ट हो चुका है, बाइक स्टार्ट ले लिया, यानी इसका वायरिंग बिल्कुल सेटअप सही हो गया है। दोस्तों फ्यूज़ रहना चाहिए, अगर फ्यूज़ रहता है तो सारी वायरिंग सेफली बच जाता है और सारी कुछ दिक्कत नहीं होता है। जैसे वायरिंग सारे लाइट खोलने की वजह से पानी अंदर घुस गया था, तो पानी की वजह से, बारिश की वजह से यहाँ पे फ्यूज़ टूट गया था। तो दोस्तों इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।